ये बहुत ही शर्मनाक और हमारी जो संसद की गरिमा के विपरीत है। ये जिस तरीके का आचरण ओम बिरला जी कर रहे हैं, जो एक मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों को वहाँ जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका जाता है। 50 साल पहले हुए इमरजेंसी के मुद्दे को लिए तो प्रस्ताव आएगा, और आज जो 24 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके जो कैरियर के साथ, उनके जीवन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस मुद्दे को उठाना अगर गरिमा के खिलाफ है तो ये इस संसद का कोई मायना नहीं है। ये संसद सिर्फ एक क्या बोलेंगे, ये एक माने जस्ट हम संसद की गरिमा इसी में है कि सरकार के गुणगान किया जाए, सरकार से सवाल ना पूछा जाए। सरकार से सवाल पूछना ही अगर ये संसद की गरिमा गिरती है, तो आज संसद की गरिमा को गिराने का जिम्मेदार हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, जिन्होंने मतलब बिना किसी कारण के 150 सांसदों को निलंबित किया पिछली बार, और वो प्रस्ताव, वो कानून पास करवा लिए जो देश के जीवन के साथ और कानून व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जीव लोगों की स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स के, सिविल राइट्स के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे कानूनों को धक्के से पास करा लिया। और ये आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संसद में तो ठीक है सवाल उठाइए, संसद में तो कानून बनते हैं, संसद में सवाल उठाने से क्या है, ब्रूट मेजोरिटी जिस तरीके से है, वो जो हालत हो रही है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 3 कृषि कानून संसद में बने थे, लेकिन उसका फैसला कहाँ हुआ? संसद से तो नहीं हुआ ना, उसका फैसला सड़क पे हुआ।